नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदेव सिंह, आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट लाइव। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे जो ट्रेलर है मार्केट में बैटरी वाले आ चुके हैं, तो कैसे ड्राइवर भाई ने हमारे को जो वीडियो भेजा है और कैसे भाई ट्रक के अंदर कितने बैटरी लगा दिए हैं, और भाई अगर आप देखे ऐसे ट्रक को तो कैसे मंगाए एक मालिक ने काफी सारे ट्रक विदेश से। तो देखिए जो हमारे को ट्रक चालक भाई ने वीडियो भेजा गड्डिया भी बैटरी वालिया इन्हें डीजल नहीं पैंदा बैटरिया ते आ बैटरिया लगियां साइड ते आ बैटरिया वा इन छावट छूट भी नहीं गी हैगी छावट नहीं हैगी थले छावट इन है नहीं फिर आ लगा आ मोटर लगी मगर ये आई डी ये मोटर लगी आ थले मतलब कराने सामने नहीं गा कराने जोर इधरों जोर लाता वा आ मोटर आदि ही जो भी सिस्टम है मोटर वाला ये ही आ तो सारा बंद किया इन्होंने सात प्लेटा लाइया तो घोड़े आ पर लगा सिस्टम सारा ही ये मतलब सारा वो ही आ डब्बे जे ही है इन्हें नहीं कुछ बिच सब मोटर इं लगियां बिच इतने चार्जिंग वाला सिस्टम लगा चार्ज हों प्रेशर वाली टेंकी दी है एक इतने मगर एक वा गड्डिया आई वा चाली पंताली गड्डिया वा घोड़े मतलब आए बाहरों किसी ने मंगाए कट्ठे बाहरों आई गड्डिया एक प्रेशर वाली टेंकी ये आ वा इधर भी बैटरिया लगियां इधर भी वो ही है बैटरी सिस्टम ही छिकनी सारा जुगाड़ जेड़ा वा इलेक्ट्रीशियन गाड़ी। जी हाँ, आपने देखा होगा भाई, ट्रक चालक ने बताया है कि इसके अंदर जो छावट है वो तो है ही नहीं है, क्योंकि नीचे जो है टायरों के नीचे जो मोटरें लगा दी है, जिसके जो है चार्जिंग से करीब 400 से 500 किलोमीटर के तक ये गाड़ी चली जाती है। जैसा कि ट्रक ड्राइवर का कहना है, करीब 40 से 50 ट्रक ये जो विदेश से मंगाए गए हैं कंपनी में लग गए इसकी, क्योंकि आपने देखा होगा पहले आपको हमने दूसरे ट्रक दिखाए थे एलएनजी से चलने वाले, लेकिन अब जो है बैटरी के ट्रकों के ऊपर ट्रक मालिकों का ध्यान जा रहा है कि डीजल काफी महंगा है, क्योंकि ये थोड़ा चार्जिंग स्टेशनों की भी अभी दिक्कत है। अगर चार्जिंग स्टेशन हर जगह हर 50 किलोमीटर में बन जाए तो ट्रक बहुत जल्दी ये कामयाब होंगे, और डीजल पेट्रोल जो है हमारे देश से जो है भार कम होता दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है ऐसे ट्रकों के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और भी हम नई वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ। चंगा जी, सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।